नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। जी हाँ, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कार्रवाई को। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान निधि की अगली और नौवीं किस्त आज जारी होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 पर 9,75,00,000 लाभार्थी किसानों की बैंक अकाउंट में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर राष्ट्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे और लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे थे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज का न किया जाए इस्तेमाल, केंद्र ने राज्यों से की अपील। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र ने प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल करने से मना किया है। केंद्र ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग न करें, क्योंकि इस तरह की सामग्री से बने तिरंगे का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यवहारिक समस्या है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, आम आदमी के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को उज्ज्वला 2.0 को करेंगे लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूआई का शुभारंभ करेंगे। रविवार को एक सरकारी बयान में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे, राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, टोक्यो से आज होगी भारतीय पदक वीरों की वतन वापसी, दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में होगा भव्य स्वागत। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय पदक वीर और खिलाड़ी आज भारत लौट रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों के लिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भव्य स्वागत आयोजन किया जाएगा, जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। खिलाड़ियों के स्वागत में बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने की संभावना भी जताई गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, यूएनएससी ओपन डिबेट की आज अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा करने वाले होंगे पहले प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली यह बैठक भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 पर शुरू होगी। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, आज से स्कूल जा सकेंगे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी, साप्ताहिक बाजार भी खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज जाने की अनुमति दे दी है। सोमवार से ये दाखिला प्रैक्टिकल काउंसलिंग या अन्य व्यवहारिक गतिविधियों के लिए जा सकते हैं। हालांकि शिक्षण उद्देश्यों से स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य संस्थान खोलने की अनुमति नहीं है। वहीं कई पाबंदियों में काफी हद तक दी गई छूट को बरकरार रखा गया है। दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो वे डीटीसी बसों में पहले की तरह ही 100% सीटों पर बैठकर सफर कर सकेंगे, अभी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। साथ ही साप्ताहिक बाजार को भी अब खोलने की अनुमति दिल्ली में दे दी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, असम मिजोरम सीमा विवाद, सीमा पर 12 दिनों बाद वाहनों की आवाजाही शुरू, आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे हिम्मत बिस्वा। जी हाँ दोस्तों, असम मिजोरम के बीच सीमा पर हुए खूनी संघर्ष के करीब 12 दिनों बाद शनिवार को देर रात आवश्यक सामग्री से लदे ट्रकों ने मिजोरम की सीमा में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। असम और मिजोरम के मंत्रियों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई थी और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहमत होने के बाद उन्होंने ट्रकों की आवाजाही को फिर से शुरू किया है। असम मिजोरम सीमा विवाद व पूर्वोत्तर में शांति पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सीबीएसई 12वीं के अंकों से असंतुष्ट छात्र आज से कर सकते हैं दावा, चार चरणों में निपटा जाएगा विवाद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के अंकों से असंतुष्ट छात्रों का इंतजार खत्म कर दिया है। सोमवार से अंकों से जुड़े विवाद को लेकर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चार चरणों में विभाजित प्रक्रिया से छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। छात्र 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वहीं बोर्ड की ओर से 14 अगस्त तक विवादों का निपटान कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों के लिए तय किया 3 साल का एजेंडा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सभी मंत्रालयों के कामकाज का एजेंडा तय कर दिया है। सभी मंत्रालय अब अगले 3 साल तक पीएम के तय एजेंडे पर काम करेंगे। इस संबंध में मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के बाद होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री भावी एजेंडे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद की 3 दिवसीय बैठक पहले मंगलवार से होनी थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों के कारण इसे टाल दिया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जंतर मंतर पर दिल्ली में आज महिलाएं चलाएंगी किसान संसद, अविश्वास प्रस्ताव होगा पारित। जी हां दोस्तों, जंतर मंतर पर आज महिला किसान संसद का आयोजन किया जाएगा। किसान संसद के अंतिम दिन कॉरपोरेट भारत छोड़ो का नारा देते हुए महिला किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। आज की संसद में भाग लेने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों की महिलाएं जंतर मंतर पहुंचेगी। किसान संसद के अंतिम दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके साथ ही अब संयुक्त किसान मोर्चा 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारी में जुट जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना टीकाकरण में अब व्हाट्सएप पर भी मिलेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, कोरोना टीका लेने वालों को अब आसानी से कुछ सेकंडों में ही व्हाट्सएप पर टीकाकरण सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए आपको आसान से 3 स्टेप को पूरा करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के कार्यालय ने रविवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। फिलहाल लोगों को टीकाकरण सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए कोविन पोर्टल पर जाना पड़ता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह भी रह सकता है हंगामेदार। कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों ने बुलाई बैठक। जी हां दोस्तों, संसद में सोमवार से जहां मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए एक बार फिर से बैठक बुलाई है। यह बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के चैम्बर सुबह 10 बजे करेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यूपी चुनाव के अंतर्गत अपना दल ने की जातिगत जनगणना और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग मंत्रालय की मांग। जी हां दोस्तों, एनडीए सरकार में सहयोगी अपना दल ने यूपी चुनाव के मद्देनजर देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। अपना दल के अलावा जेडीयू भी ऐसी मांग कर चुका है। इसके अलावा अपना दल ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अलग मंत्रालय खोलने की भी मांग की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भाजपा में नए मंत्रियों के लिए देश भर में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रियों के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। प्रदेश भाजपा ने इस यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और दिल्ली से इस यात्रा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल होगी। कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि प्रदेश के 14 जिले हैं और दोनों मंत्री सात जिलों में यात्रा निकलेंगे। 3 दिन की यह यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी और इसका समापन 18 अगस्त को होगा। यात्रा के दौरान और दिन के अंत में यात्रा के समापन पर एक जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता को दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मुहर्रम पर डीजीपी के द्वारा जारी गाइडलाइन में अपशब्दों को लेकर सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा योगी आदित्यनाथ को पत्र। जी हां दोस्तों, लखनऊ में मुहर्रम के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जारी गाइडलाइन में अपशब्दों को हटाने के संबंध में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है। यह पत्र ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष यासूब अब्बास ने पुलिस कमिश्नर के जरिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को लिखा है। जानकारी के मुताबिक मुहर्रम में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सिया पर्सनल लॉ बोर्ड यासूब अब्बास ने दावा किया है कि इसमें कई लाइन और शब्द के गलत तरीकों का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।